और जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये 2014 के अपने चुनाव प्रचार में कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, और आज इन्हीं के विधायक हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, और इनके जो मंत्री हैं वो ये कह देते हैं कि हमारे पास पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है कि हम इन्हें सुरक्षा दे सकें। ये ऐसे इन लोगों की मानसिकता है। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो झूठे वादे देती थी कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, लेकिन उन्होंने हमारी महिलाओं के साथ सुरक्षा नहीं दी। अगर जब से ये सरकार बनी है, इस सरकार के आने के बाद दो तीन ही लोगों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ, या तो मुस्लिमों पे हुआ, या दलितों पे हुआ, या फिर हमारी महिलाओं पे हुआ, जिसकी भागीदारी आज देश के अंदर 50% है, आज वो भी सुरक्षित नहीं है। और ये लोग डरते नहीं थे, कहते भाई कि बेटी बचाओ। जब बीजेपी बिहार में अपनी सरकार बना लेती है तो मोदी जी का 2 मिनट में ही ट्वीट आ जाता है कि साधुवाद की उन्होंने सरकार बनाई, और उन्नाव में बलात्कार होता है लड़की के साथ तो मोदी जी चुपचाप बैठे हैं। तो कहां गए मोदी जी का 56 इंच का सीना, जो कहते थे कि मेरे पास वो 56 इंच का सीना है, अगर किसी महिला के ऊपर अत्याचार हुआ या किसी दलित के ऊपर अत्याचार हुआ तो मुझे सूली चला देना। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो सूली वह मोदी जी कहां गए जो अपना 56 इंच का सीना दिखा रहे थे। तो साथियों, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग ईवीएम को हटाने में असफल रहे तो दोबारा इन लोगों की सरकार बन जाएगी, और दोबारे से जो अभी अत्याचार कम है ये अत्याचार और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और साथ लड़ना पड़ेगा। और मैं इस बात के लिए भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि ये जो रोष है हमारे युवाओं में बहुत है। लोग कहते थे कि तुम्हारे समाज का युवा नहीं निकल के आता, आज मैं कह देना चाहता हूँ लोगों से कि आज युवा ही सबसे ज्यादा आगे है। इन लोगों ने कहा कि दलितों पे अत्याचार करो, ST ST एक्ट पर हमारे पे हटाने की वो लगा दी कोर्ट ने, और कहा कि जो इसकी जांच करेगा अधिकारी DM साहब करेंगे। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हमारा दबा कुचला समाज जो सिपाही के सामने खड़ा होकर अपनी बात नहीं रख सकता, वो अधिकारी के सामने आगे अपनी बात कैसे रख देगा। तो इन लोगों को समझना पड़ेगा कि ये अभी दबा कुचला समाज है, ये ज्यादा इतना सक्षम नहीं हुआ कि वो अपनी बात रख सके। तो साथियों, बस एक बात और कहकर अपनी वाणी को यही विराम दूंगा कि सदिया बीती मुद्दत बीती जुल्म सहते सहते, सदिया बीती मुद्दत बीती जुल्म सहते सहते, शर्म आती है ऐसी हुकूमत को अपना कहते कहते। जो लोग अंग्रेजों के तलवे चाटते थे आज वो बड़ी ताकत के रूप में उभरे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग कहीं ना कहीं इतने बड़े ताकत आए, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज कमजोर हो गया है और इकट्ठा नहीं है। अगर हम लोग इकट्ठा होते, 85% हम लोगों की भागीदारी है और आज तक भी हम अपना प्रधानमंत्री इस देश में बना नहीं पाए, तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ।